प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज पहुंचे, जहां उन्होंने महाकुंभ के लिए कलश स्थापित किया। इसके बाद 5,700 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का भी शिलान्यास और उद्घाटन किया। जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि गुलामी के कालखंड में भी कुंभ की आस्था नहीं रुकी। पीएम मोदी ने कहा कि संगम आकर संत महंत, ऋषि मुनि, ज्ञानी विद्वान सब एक हो जाते हैं, जातियों का भेद खत्म हो जाता है, संप्रदायों का टकराव मिट जाता है। प्रयागराज वो स्थान है जिसके प्रभाव के बिना पुराण पूरे नहीं होते, इसलिए मैं कहता हूं कि ये महाकुंभ एकता का महायज्ञ है। इसमें हर तरह के भेदभाव की आहुति दी जाती है। इससे पहले पीएम अरैल घाट से निषादराज क्रूज में सवार होकर संगम तट पर गए। यहां साधु संतों से मुलाकात की। इसके बाद संगम नोस पर 30 मिनट गंगा पूजन किया, गंगा को चुनरी और दूध चढ़ाया, सेल्फी पॉइंट पर फोटो खिंचवाई। इसके बाद पीएम मोदी ने अक्षय वट की परिक्रमा की, फिर लेटे हनुमान जी की आरती उतारी, भोग अर्पित किया। पीएम मोदी ने सरस्वती कूप में दूध डाला। हनुमान मंदिर कॉरिडोर के मॉडल को भी देखा। पीएम मोदी के साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी रहे। आज मां गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी में पूजा अनुष्ठान के उपरांत 2025 के महाकुंभ प्रयागराज के शुभारंभ की दृष्टि से संपूर्ण सनातन धर्मावलंबियों, देश और दुनिया के अंदर भारत के प्रति अनुराग रखने वाले सभी श्रद्धालुजनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात लेकर के उनका लोकार्पण आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से यहां पर होने जा रहा है, जिसमें पहली बार 2019 के प्रयागराज कुंभ में प्रधानमंत्री जी की ही प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन और उनके आदेश पर सैकड़ों वर्षों के बाद श्रद्धालु जनों को अक्षय वट के दर्शन हुए थे। इस बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ही मार्गदर्शन में अक्षय वट कॉरिडोर का भी आज उद्घाटन होने जा रहा है। बड़े हनुमान जी जिनका अभिषेक करने के लिए मां गंगा प्रतिवर्ष आती है, हनुमान बड़े हनुमान जी मंदिर का भी कॉरिडोर का लोकार्पण आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होने जा रहा है। सरस्वती कूप, जिस त्रिवेणी में अदृश्य रूप में मां सरस्वती वास करती है, पहली बार श्रद्धालु जनों को 2019 में सरस्वती कूप के भी दर्शन हुए थे और वह भव्य रूप आज यहां पर सरस्वती कूप कॉरिडोर के लोकार्पण के साथ होगा। चार के आधुनिक माध्यम नहीं थे तब कुंभ जैसे आयोजनों ने बड़े सामाजिक परिवर्तनों का आधार तैयार किया था। कुंभ में संत और ज्ञानी लोग मिलकर समाज के सुख दुख की चर्चा करते थे, वर्तमान और भविष्य को लेकर चिंतन करते थे। आज भी कुंभ जैसे बड़े आयोजनों का महात्म्य वैसा ही है। ऐसे आयोजनों से देश के कोने कोने में समाज में सकारात्मक संदेश जाता है, राष्ट्र चिंतन की धारा निरंतर प्रवाहित होती है।